हाँ जी, तो भाई लोगों हमने भाई इधर इत्तेफाक कर लिया है, मतलब के बातचीत हमने अपनी पूरी कर ली है इन लोगों से। वो बोलते हैं भी 700 रियाल का टायर देंगे। उस्ताद किधर आ रहे हो? इधर तो मैंने आना था। आना फैन रो मुझे उन्होंने बोला इधर ले आओ, फिर इधर ट्रेलर वाले को बुला दिया उन्होंने। चलो खैर भाई, हम इधर लगाते हैं गाड़ी को। भाई 700 रियाल का एक टायर, ठीक है, ब्रिजस्टोन कंपनी है, जापानी टायर। और 120 रियाल का वो करेंगे जी मीज़ान और तरसीस, ठीक हो गया। हाँ जी, चलो भाई ये हम गाड़ी इधर लगाते हैं और फिर जाते हैं नमाज पढ़ने। पीछे यमनी आपका बैठा हुआ है, बाद में हमने उसको लताड़ दिया तो फिर कम खराब हो जाएगा यार ये कैसे खोलेंगे, मुझे बोलते हैं बड़ा दो इधर गाड़ी। चलो भाई टायर चेंज होते हैं, हम आपको दिखाते हैं भाई कैसे चेंज होता है टायर। भाई ये टायर देखो भाई, ये चलने वाले थे टायर, हाँ ऐसे नहीं गाड़ी हमारी टप्पे मार रही थी जंप बने हुए हैं जंप। भाई ये देखो भाई, ये है जी ब्रिजस्टोन, ठीक है ना। ये टायर का साइज वगैरह सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। और भाई ये चेक करो, ये बहुत बड़ी दुकान है। ये चक्कर सारे टायर ही टायर पड़े हुए, टायर पड़े हुए। ये अब हो रही है तरसीस, इसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे सामने नजर आएगा अभी सारा कुछ, ये चेक करो। ये देख रहे हो ये 80 है, वो 150 है, ठीक है ना। ये दोनों 0-0 होंगे फिर सही हो जाएगा। ये देखो जहाँ पे फर्क आ रहा है ना उधर वो ये लगा देंगे छोटी। ये फिर घूमेगा और फिर उधर फिर से चेक होगा, हाँ तो ये खुद ब खुद रुक जाएगा ये टायर। ये देखो अभी वो वाली साइड सिर 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाली साइड जो है ना 50 पे है, इसको अभी 0 करना है इन्होंने, ये यहाँ पे बस। ये देखो ये पीछे एक लगाई है इन्होंने, आधा मार लें पन्ना अभी ये देखो 0-0 हो गया, ठीक है ना। ये दोनों भाई ये वाला टायर क्लियर हो गया, इसकी तरसीस हो गया, ठीक है। अभी दूसरा टायर भी इसी तरह होगा, फिर मिजान करेंगे वो उस जगह के ऊपर, ठीक है ना। भाई लोगों टायर चेंज हो गए हैं, तरसीस भी हो गई, अब कराना है जी इसका मीज़ान, ठीक है। मीज़ान करवाएंगे उस जगह पे। चलो इधर लगाते हैं गाड़ी।
स्टेयरिंग को सीधा सीधा रखना है, ठीक हो गया। अभी ये नीचे बंदा इसका मिजान करेगा, ये देखो ये इधर और उधर देखेगा बराबर है या नहीं है। ये इधर थोड़ी सी अटक रही है हल्की सी। चलो भाई निकलो इधर से। और भाई ये तो काम हो गया, मिजान इसका ठीक लग रहा था। वो बोलता है भाई एक महीने के महीने का जो है ना गारंटी है इसकी, एक महीने की गारंटी है अभी इसकी। वो बोलता है एक हफ्ते के बाद फिर चेक करा लेना। तो मैं बोला चलो, हमारा तो मदीने में चक्कर लगता रहता है डेली, तो हम दोबारा आके फिर चेक करवा लेंगे, मसला नहीं है। अभी तबूक से हो जाता है ना, एक ट्रिप शिराज का लगेगा, तो बाकी जो जब मेरा ट्रिप होगा फिर मैं इधर आके फिर एक दफ़ा चेक करवाऊँगा। तो भाई फिलहाल अभी टायर लग चुके हैं और भी पता लग रहा है कि भाई टायर लगे हुए हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यार ये माशाल्लाह अभी जो मैंने लगवाया ना टायर, ये ब्रिजस्टोन, ये भाई बस इनके ऊपर मेरे ख्याल से फिलहाल तो मैंने तो नहीं सुना है कि इससे ऊपर भी और कोई क्वालिटी होती होगी, लेकिन मैंने सुना नहीं है। हाँ जी, अभी देखते हैं भाई इधर खाना है भाई, खाना है भाई। देखते हैं पाकिस्तानी होटल है या जज फहम अल रुद, ये तो दूसरे वाला है। चलो भाई कोई होटल भी ढूंढते हैं अब खाना खाने के लिए, बाद में भाई निकलते हैं तबूक के लिए इंशाल्लाह। तो भाई इधर रुके हैं, इधर मतम बिरयानी लिखा हुआ है, देखते हैं भाई बिरयानी कैसी है इधर की। जल्दी जल्दी बस इधर से खाते हैं, अभी निकलते हैं फिर तबूक के लिए इंशाल्लाह, ठीक हो गया। मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, मैं जब तक कैमरे को चार्जिंग पे लगा लूं। हाँ जी, तो भाई लोगों आप लोगों ने देख लिया, अभी हम मदीना से बाहर निकल आ रहे आ गए थे, और भाई रास्ते में इतने मज़े थे ना माशाल्लाह, आप लोगों ने देखे हैं। और सिलसिला जो बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ था ना, जहाँ से हम अभी गुजरे थे, उस एरिया का नाम था सिलसिला, ठीक है, उस सिटी का नाम था, तो वो भी बड़ा ऐसे सिलसिला लिखा हुआ था अरेबिक में, अगर आप लोग गौर करें ना तो वो सिलसिला लिखा हुआ था। तो अभी जो है ना हम बस खैबर हमारे से तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर रहता है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई डीज़ल डलवा लूँ। डीज़ल भी तकरीबन खैबर में एक ही महत्ता है बस, और कुछ भी नहीं है महत्ता। फिर महत्ता वो आगे जाते हैं जदीद, अल जदीद एरिया का नाम है, उधर जाके मिलता है। तो अब देखते हैं भाई, डीज़ल फ़िलहाल मुझे एप्लीकेशन में तो शो नहीं हो रहा है बैलेंस में, लेकिन अभी कंपनी ने डाल भी दिया हो तो पता नहीं है। हाँ जी, अब मैं देख रहा हूँ भाई, फिलहाल हमारे पास वैसे आधी टैंकी है। चलो डीजल का बोलते हैं, अगर वो बोलेंगे है तो फिर इधर खैबर के अंदर बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे करके है ना, सिटी के अंदर ही है माता। अगर बोलेंगे नहीं है तो फिर 200 किलोमीटर तो गाड़ी चल ही जाएगी इतनी, वो जहाँ पे हमने जाना है उधर जाके फिर जदीद में जाके हम उधर ही डीजल जब तक आ ही जाए तो फिर तब डलवा लेंगे डीजल। अभी फिलहाल ये खैबर का एरिया ही समझ लो इसको,
और ये ऐसे समझ लो कि ये खैबर का एरिया है, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक पहाड़। तो भाई अगर मेरा खैबर वाला, अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है, ईद उल फितर में हम आए थे खैबर में, तो भाई ज़रूर जाके देखो भाई। खैबर माशाल्लाह हिस्टोरिकल प्लेस है, किला खैबर हमने दिखाया था उस वीडियो में, और खैबर म्यूज़ियम था वो भी हमने देखा है भाई, बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई थी उसमें, और मतलब के कमाल के व्लॉग थे भाई वो खैबर सीरीज़। ज़रूर जाके देखो भाई, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये आपको स्क्रीन शॉट भी नज़र आ रहे होंगे थंबनेल के, तो भाई मैं कहता हूँ खैबर वाली सीरीज़ कमाल थी, आप लोग खैबर वाली सीरीज़ लाजमी जाके देखें। अभी तो हम खैबर से अंदर अंदर से चले जाएंगे ना, ये खैबर जो है ना हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है ना। जंग खैबर जो हुई थी ना, इसी सिटी में ही हुई थी, जो आगे सिटी आएगा ना। तो भाई इधर इस्लाम की सबसे बड़ी फतह तो भाई इधर हुई थी, ठीक है ना, खैबर में, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों का गढ़ था, ठीक है ना, यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ था। जब इसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कर लिया था ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फतह हुआ था, और मौला अली अलैहि सलाम ने मरहब को उधर जो है ना दो टुकड़े किए थे, ऐसे मतलब के ज़रब लगाई थी। इस्लाम की बहुत बड़ी एक कामयाबी थी, फतह थी, ठीक है ना, यहूदियों को मारना, मतलब कि यहूदियों का किला फतह करना। ये किला था इधर, यहूदियों का किला है खैबर, हाँ जी, खैबर फोर्ट। तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखें, और बहुत सी चीज़ें म्यूज़ियम में भी हमें मिली हैं, वो भी हमने उसको भी हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया था। तो भाई आप गाड़ी माशाल्लाह स्मूथ चल रही है, आप देख रहे हो ना, ये देखो सुकून से जा रही है गाड़ी, और कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई झटके नहीं है, कोई शय नहीं है, मतलब के बहुत नर्म नर्म टायर ऐसे लग रहे हैं कि भाई आगे वाला जो इसका हेड है ना फुल नर्म हो गया है, क्योंकि उसके गुड़ियां भी घसी हुई थी, आप लोग ने देखा है भाई, बहुत बेकार तरीन टायर हुए पड़े थे, तो वो जो है ना सख्त हो गए थे, सख्त, हाँ जी, डनलोप के टायर थे लेकिन सख्त हो गए थे भाई। लेकिन अभी जो है ना ब्रिजस्टोन के माशाल्लाह ये बहुत ही नर्म टायर है, नर्म टायर, अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, ये मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करते हुए। 100-110 पे भी गए ना, तो भाई पता ही नहीं चला कि गाड़ी 110 पे जा रही है, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सुनने में ये आया है कि ये जो ये वाला मीज़ान है ना, मतलब कि ये वाली जो स्केल है, तो इधर कभी कभी अमन तुर्क वाला इधर रुकता है, और जो भी डैने वाला इस स्केल के अंदर से ना गुजरे उसको मुखालफा देता है, ठीक है ना। तो आज तो वैसे खड़ा हुआ नहीं है, शायद सेकंड टाइम खड़ा हुआ हो, वैसे अभी भी सेकंड टाइम ही है, लेकिन आगे भी तफ्तीश आ रही है अमन तुर्क की और खैबर की, ऐसे समझ लो खैबर एंट्रेंस की तफ्तीश भी आ चुकी है। अभी मैंने माइक वो उधर रख दिया फिलहाल, नहीं हो रही थी, मैंने इसको अब एसी के अंदर ठोंस दिया भाई, मैं कहा चलो तो ठंडी हो जा, अब जाके चार्ज भी है, पहले नहीं हो रही थी, गर्म हो गई थी। मुझे उसने बोला है, किसको बोला है पता नहीं, मुझे बोला है या मुझे लगता है उस ट्रक वाले को बोला है उसने, मतलब अगर उसने मुझे भी बोला होगा तो आ जाएगा पीछे। फिलहाल कोई गाड़ी आ नहीं रही पीछे से, अच्छा पीछे एक और भी डाने वाला रुक गया है, आई थिंक उसको ही रोका है उसने। तो भाई ये देखो माशाल्लाह इधर भी बहुत अच्छे अच्छे से पार्क है भाई, माशाल्लाह क्या बात है भाई, खैबर खैबर खैबर, अभी इन्होंने खैबर को बहुत डेकोरेट किया हुआ है यार। खैबर में हम एक दफ़ा आए थे तकरीबन 2016-17 की बात है, तो भाई हम जो खैबर फोर्ट थी ना, मतलब के जो किला खैबर था, हम भी वो एंड तक ऊपर चढ़ चुके थे भाई, ऊपर एंड तक चढ़ गए थे, ठीक है ना। अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, और अभी इन्होंने टूरिस्ट सिस्टम बनाया हुआ है कोई, मेरे ख्याल से ये अभी टिकटें वगैरह इन्होंने रख दी हैं, और भाई अब जो है ना टिकट कराओ, लैंड बनाओ,
कल्ले कल्ले जाओ ग्रुप के साथ भी जा सकते हो, मैंने वैसे ऐसे ही बना दिया, फिकरा बना दिया, लेकिन भाई अभी इन्होंने पूरा एक अपॉइंटमेंट सिस्टम रख दिया, अभी अपॉइंटमेंट लो, टिकट लो, फिर भी आगे आपको पूरा वो एक पैकेज देंगे, मतलब कि वो गाड़ियाँ एक जगह पे पार्किंग करो, छोटी जो टूरिस्ट गाड़ी होती है ना, छोटी सी ऐसे, तो भाई वो आगे आपको लेके जाएगी, वो एंड तक घुमा के लेके आएगी, फिर आपको एक गाइडर भी देते हैं, ठीक है ना, वो आपको गाइड करता रहता है कि जी ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, लेकिन आप उस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ने देते, ठीक है ना। अगर आप ज़ुबैर रियाज के व्लॉग देखो ना, ज़ुबैर रियाज मदीना वाला जो है अपना पाकिस्तानी है, तो भाई उसके भी व्लॉग, उस वो अभी रिसेंटली गया था ईद से पहले, ईद उल फितर से पहले, तो तब जो है ना वो तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉगर है, वो सब जानते हैं मदीना वाले, तो भाई वो अपॉइंटमेंट लेके गया था, तो भाई आगे उसने पूरी, उसको गाड़ी वाले लेके गए आगे, पूरा एक गाइडर थी, एक लड़की थी, उसने पूरा गाइड किया, सारी चीज़ें बताई उसने, तो इस तरह अभी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। अब ये जो भी इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, पहले इनके जब मुतवा सिस्टम होता था तो तब ये बिदत बिदत लगाते थे कि भाई बिदत है, कोई ये वाली जगह नहीं है, यहाँ की ज्यारतें ना करो, लोग आते थे ना, फिर हमारे भी माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी भाई अपने हमारे बहुत ही मतलब के भोले भाले से भाई ऐसे समझ लो, तो भाई वो आते थे, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होती थी वहाँ पे नाम लिख देना, वहाँ पे दुआएं मांगना, चलो दुआएं तो एक बनती है, लेकिन वहाँ पे खड़े होके उनको चूमना, तो मतलब इस चीज़ को वो बिदअत समझते थे। तो भाई मुतवा सिस्टम जब तक रहा है उन्होंने भाई हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं ओपन करने दी, अभी मुतवा सिस्टम इनका बहुत डाउन हो चुका है, अभी इन्होंने फ्री हैंड दे दिया सबको, लेकिन फिर भी सख्ती है, वो वाली सख्ती नहीं है जो पहले होती थी, तो अभी जो है ना इन्होंने बहुत सी चीज़ें ओपन कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें ओपन कर दी हैं और मज़ीद ओपन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है यार। एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं भाई, नबियों के दौर की चीज़ें आपको ओपन करनी चाहिए, इससे जो है ना टूरिज़म, मतलब के टूरिस्ट आते हैं आपके जो है ना आपके मुल्क में, तो अभी वो आ भी रहे हैं। अब जैसा कि आलूला देख लो, पिछली सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा भाई, सारे अंग्रेज पड़े होते हैं उधर, अगर उधर इस टाइम में जाओ ना 5-6 बजे के बाद, सब आपको अंग्रेज़ मिलेंगे, ठीक है ना, ना आपको सऊदी मिलेगा, ना कोई और अजनबी मिलेगा, पाकिस्तानी इंडियन अक्सरियत गोरों की मिलेगी भाई। तो भाई अभी जो पेट्रोल स्टेशन की लोकेशन मुझे लेके जा रही है ना, वो भी मुझे उसी रोड पे लेके जा रही है, ये अभी देखते हैं ये कौन सा रोड है, आई थिंक ये जो म्यूज़ियम में गए थे ना हम, खैबर म्यूज़ियम में, उसी एरिया में ही हमें लेके जा रही है लोकेशन पेट्रोल स्टेशन वाली। आज भी ये वो भी चल रहा है भाई पुरजा, क्या बात है भाई, फुहारे चल रहे हैं। ये चेक करो, ये चक 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 चक। तो भाई ये हम जा रहे हैं किला खैबर, ठीक है, ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं ना, ये एक खैबर फोर्ट के भी इन्होंने इधर पूरे वो लगाए हुए हैं, होता है ना तस्वीरें इधर लगाई हुई हैं, जो खैबर म्यूजियम था ना वो दूसरी साइड पे था, इस दवेरिया से दूसरी साइड पे, राउंड अबाउट के दूसरी साइड पे। कोई कंपनी को मैसेज कर दिया है डीजल का, खैबर की जो है ना ये मार्केट है, मेन मार्केट, ठीक है ना, ओल्ड एरिया भी समझ लो इसको, मेन मार्केट भी समझ लो, और भी यही रोड सीधा चले जाओ ना, सीधा आगे भी आपको जो खैबर फोर्ट है ना उधर लेके जाएगी ये वाला रोड। हाँ जी, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ मेरा वो वाला व्लॉग जाके देखें, आपको पूरा खैबर का भी पूरी सैर होगी, पूरी सैर खैबर की। हाँ जी, ये वाला पेट्रोल स्टेशन है जहाँ पे हमें डीजल मिलने वाला है, लेकिन कंपनी से कंफर्म करते हैं, ऐसे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था मेरा।
हाँ जी, तो भाई लोगों डीज़ल मिल चुका है हमें, और जो मेरे पास एप्लीकेशन है ना उसमें जो है ना डीज़ल शो नहीं हो रहा मुझे, पता नहीं क्यों। अभी ये देखो, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, यहाँ पे 00 बैलेंस शो हो रहा है। पता नहीं ये वाला ट्रक इन्होंने हमारे वाले प्रोजेक्ट से हटा दिया है या क्या कर दिया, पता नहीं है। 1.17 हलाल अभी इसका रेट है इधर डीज़ल का, महंगा महंगा महंगा। चलो अभी देखते हैं कितने का डीजल आता है। हो गया अभी फुल हो गया 99.26 हलाला, फुल हो गई भी फुल, अब हम करेंगे चुल चुल। हाँ जी, तो भाई लोगों अगर हम सीधा चले जाएं ना सीधा तो हम उधर किला खैबर चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से मार रहे हैं भाई लेफ्ट राइट बल्कि सॉरी राइट मार रहे हैं। इधर से फिर हम उसी रोड पे चढ़ जाएंगे जहाँ से हम आए थे। आहो आहो, टैंक फुल हो गई है अब भाई, ये 300-400 किलोमीटर तो सुकून से मारेगी। हम तबूक के नज़दीक नज़दीक जा के पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तबूक हमारे से 517 किलोमीटर है अब, ठीक हो गया जी, 517 किलोमीटर हम ये जो है ना इंशाल्लाह। एक टैंकी से वैसे 500 निकल जाता है, लेकिन यार इसका जो थर्मो किंग चल रहा है ना ये बहुत ख़र्चा दे रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत ख़र्चा करा रहा है। लेकिन अभी मैंने सेंटर में पार्टीशन बहुत क्लोज़ कर दिया है, अब जल्दी बंद हो जाता है, ऑटो पे लगाया हुआ है ना मैंने। तो बहरहाल भाई, खैबर का सिटी आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भाई लाइक जिसने नहीं किया ना, लाइक तो बनता है ना इस छोटे रोड के लिए, मेरी वीडियो के लिए नहीं छोटे रोड के लिए। कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, तो भाई ये जो कैमरे आप लोगों ने अभी देखे हैं ना, ये सीट बेल्ट, मोबाइल, आप कुछ खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कैमरे को लगेगा कि भाई इसका ड्राइविंग पे ध्यान नहीं है, उसने उसी वक्त आपकी नंबर प्लेट की तस्वीर बना लेनी है और 500 का दगादा वही हो जाएगा, जुर्माना आ जाएगा मतलब के। अब आगे भी कैमरी जा रही है, मुझे अपनी कैमरी की याद आ गई भाई, सेम कलर सेम मॉडल, ये मैंने कैमरी इस तरह की मेरे पास थी भाई किसी दौर में, जब मैं कंपनी में आया ना फिर मैंने बेच दी थी। हाँ जी, देखो इसके मुझे लगता है एसी नहीं चलता, इसने दरवाजे खोले हुए हैं। तो भाई ये वही वाला मेन रोड आ चुका है, लेकिन अभी हम यू टर्न मार के ना फिर इसी रोड पे वापस आ जाएंगे।